हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑन योर स्क्रीन कुछ गाड़ी देखी देखी नज़र आ रही है। खैर, आज इस गाड़ी के एक्सेसरीज़ के बारे में बात करेंगे जो मारुति प्रोवाइड कर रही है। और मारुति की गाड़ियां हैं तो कस्टमाइजेशन का आपको बहुत सा ऑप्शन दिखने वाला है, आफ्टर मार्केट भी, एंड ये एसेसरीज जो है कंपनी आपको लगा के दे रही है। तो आज इन्हीं एसेसरीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, आपके लिए सारी डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आप इसके सिनेमेटिक शॉट्स को एन्जॉय कर लीजिए। सी यू वेरी सून आफ्टर दिस सिनेमेटिक शॉट्स। एसेसरीज की शुरुआत करते हैं हम रियर प्रोफाइल में, बिकॉज समवन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस कार। तो लेट्स स्टार्ट विद इट्स रियर प्रोफाइल, क्या क्या यहाँ पे एसेसरी लगाई है। यहाँ पे बूट पर आपको क्रोम गार्निशिंग देखने को मिलेगी अलोंग विद दिस। ये बम्पर पर आपको ये बम्पर गार्ड या बम्पर प्रोटेक्टर आप बोल सकते हैं विद रेड एंड ब्लैक फिनिशिंग के साथ कंपनी इसको लगा के दे रही है। ऑल दो यहाँ पर आपको स्पॉयलर ब्लैक के अंदर प्रिंटेड कर दिया गया है, एंड ऊपर की तरफ आपको इसका शार्क फिन एंटीना एंड रूफ रेल्स ग्लोसी ब्लैक के अंदर प्रिंटेड देखेंगे इस एसेसरी पैक के अंदर। थोड़ा सा यहाँ पर रेड रेडियम का टच, एक थोड़ा सा इसको स्पोर्टी फील कराने के लिए। मेजर चेंज आता है इसके व्हील्स पर, व्हील को जो है इसके अंदर अलॉय व्हील आते हैं एज यू ऑल अवेयर अबाउट दैट। व्हील हब और फ्रंट में इसके कैलिपर रेड कलर के अंदर प्रिंटेड है, एंड अलॉय व्हील को ग्लॉसी ब्लैक का टच दिया है। साइड में थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट लुक बना रहे, तो यहाँ पर सुजुकी के लोगों को वही पुराने पैटर्न में रखा है, थोड़ा सा अलग सा दिखे। एंड यहाँ पर आपको व्हील आर्क पर एक कुछ एसेसरी दी है जो सिल्वर एंड रेड फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिलेगी। डार्क क्रोम में यहाँ पर क्रोम हैंडल को प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए, इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर ये कंपनी लगा के दे रही है। एंड ये ब्रॉड सी स्किड प्लेट भी एसेसरी का पार्ट है। दिस वन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नीचे वाले पार्ट की नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एसेसरी का पार्ट रहने वाली है। विद इस पर भी आपको रेड कलर का टच नज़र आ जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे ओआरवीएम्स को भी ग्लॉसी ब्लैक का टच मिल रहा है। पेंट किए हैं, ऐसा नहीं है कि इनको हटाया है, कंपनी इसको पेंट करके दे रही है। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी चेंज नज़र आएगा। हाँ, यहाँ पर आपको फ्रंट व्हील थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, इसको मैं उधर से दिखा दूँ। फ्रंट व्हील मिल रहा है यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के साथ, और यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया, यहाँ इसके साथ साथ फ्रंट फेसिया में जो एसेसरीज इंस्टॉल की हैं आपको, यहाँ फ्रंट की ग्रिल इसको पेंट किया है यहाँ पर, और ये एसेसरीज जो है आपको ये वाला पार्ट जो है एसेसरी का यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी नीचे भी ये वाला पार्ट जो है ग्लॉसी ब्लैक के टच के साथ यहाँ पर आपको एसेसरी के तौर पे कंपनी लगा के दे रही है, और ये रेड कलर की रेडियम स्ट्रिप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इंटीरियर में चलते हैं। फर्स्ट रो का इंटीरियर, फर्स्ट रो में यदि आप इंटीरियर में जैसे ही एंट्री करेंगे तो सबसे पहला बदलाव आपको मिलेगा यहाँ पर। इसको आप कार्बन फिनिशिंग के साथ दिया है, ये वाले पार्ट को जो आपको नॉर्मली ब्लैक कलर के अंदर देखते थे, इसको हाइड्रोडिप भी करवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंपनी ये पैनल बिल्कुल चेंज करके दे रही है, हाइड्रोडिपिंग नहीं की है, पहले मैं बता दूँ। एंड सेम पैटर्न जो है आपको इंटीरियर में, ये वाला जो टेक्सचर है, सेम पैटर्न या टेक्सचर जो है आपको इसके इंटीरियर में कई जगह नज़र आएगा। यहाँ पर भी आपको इसका ये वाला जो टेक्सचर है एसी वेंट्स पर भी नज़र आ जाएगा, अलॉन्ग विद दिस आप यहाँ पर भी इसको देखेंगे। इसके अलावा इंटीरियर में चेंज है यहाँ पर सीट्स पर, इसके अंदर फाइबर अपोलिस्ट्री के साथ सीट ऑफर की जा रही है, डेल्टा वेरिएंट है ये। और यहाँ पर अभी एज ए पार्ट ऑफ एसेसरीज आपको सीट कवर दिया गया है, और सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पर आपको सिल्वर एंड ब्लैक कलर के कलर के साथ दो कम्बिनेशन में आपको यहाँ पर सीट कवर ऑफर किया है। सेमी बकेट सीट कवर है, फुल्ली बकेट तो नहीं है, लेकिन हाँ सेमी बकेट है, ठीक है, कंफर्टेबल रहेगा आपके साथ। और इसके अलावा स्टेयरिंग व्हील पर आपको एज ए पार्ट ऑफ एसेसरीज स्टेयरिंग कवर लगा के दिया है, एंड यहाँ पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट टच फील करेंगे। और यदि वैसे जाते हैं तो ये आपको बिल्कुल कम्प्लीटली हार्ड टच के साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये अभी सॉफ्ट टच के साथ मिल रहा है एज ए पार्ट ऑफ एसेसरीज, ये स्टेयरिंग कवर यहाँ पर मिल रहा है। अब चलते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो में सेम आपको कार्बन फाइबर वाला टच इस डोर पैड पे भी, मतलब दोनों डोर पैड पे नज़र आएगा रियर रो में। स्किड प्लेट
जो फ्रंट में भी अवेलेबल हैं, मैंने दिखाया नहीं, लेकिन स्किड प्लेट जैसे यहाँ पर अवेलेबल है, लेट मी शो यू, सेम स्किड प्लेट, सेम डिज़ाइन और टेक्सचर के साथ आपको इधर भी देखने को मिलेगी। इट मीन्स चारों डोर पर स्किड प्लेट देखने को मिलेगी। रियर रो में और कोई बदलाव नहीं है अदर देन दिस, यहाँ पर केवल सीट कवर और ये मैट नज़र आ जाएगा, मैट 3D मैट बोल सकते हो आप, 3D के मैट यहाँ पर, या 5D मैट बोल सकते हो, 3D या 5D आप मैट बोल सकते हो। ये मैट आपको कंपनी लगा के दे रही है एज पार्ट ऑफ एसेसरीज इस पैक के साथ, और सीट कवर की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कम्प्लीटली, कोई आपको सिलवट या किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आएगा, सब कुछ कम्प्लीटली फिट। एंड इसके साथ साथ आपको सीट बेल्ट भी तीनों निकाल के दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सीट कवर लगाने के बाद सीट बेल्ट को अंदर की तरफ लगा दिया है, कम्प्लीट फिटिंग के साथ यहाँ पर सीट कवर ऑफर किए जा रहे हैं। एसेसरीज़ के पार्ट में, एसेसरीज़ के तौर पर यहाँ पर आपको रेन वाइज़र या विंड वाइज़र आप बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पर एसेसरी के पार्ट के तौर पर ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेसरीज़ जो आप फ्रॉम के साथ ले सकते हैं एज ए ऑप्शन कंपनी की तरफ से या शोरूम की तरफ से। वैसे भी कम मारुति की गाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर आपको एसेसरीज़ आपको परफेक्टली फाइन मिलने वाली हैं। आप आफ्टर मार्केट भी जाएंगे तो आप लॉट्स ऑफ ऑप्शन ऑफ एसेसरीज़ आप अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन विद इन शोरूम भी आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट फ्रॉन्क्स एसेसरीज़। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए मोटर नॉलेज अड्डा को, और यदि आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी या गलत दी गई है तो आप हमें मोटर नॉलेज अड्डा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें DM कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपके साथ जिमनी की एसेसरीज़ ज़रूर शेयर करेंगे कि जो जिमनी मोस्ट अवेटेड कार है मारुति की तरफ से, और जो नेक्सा के आउटलेट में आएगी, और नेक्सा उसके अंदर कौन कौन से एसेसरीज ऑफर कर रही है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जिमनी के अंदर बहुत सा स्कोप है जो मॉडिफिकेशन के तौर पर आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आप स्विफ्ट के अंदर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाते हैं, ऐसा जिमनी के अंदर भी आप करवा सकते हैं। दिस इज़ ए लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट सुजुकी फ्रॉन्क्स एसेसरीज विच आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल एट नेक्सा आउटलेट, और इसके अंदर आपको क्या प्राइस रेंज रहेगा सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। दिस पैक इज एक स्पेसिफिक पैक बनाया है, स्पेसिफिक पैक का नाम आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए मोटर नॉलेज अड्डा को, और यदि आपको लगता है इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी या गलत दी गई है तो आप मोटर नॉलेज अड्डा के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर हमें DM कर सकते हैं, वहाँ पर आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। इसी के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक आप टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट का प्रयोग, और फोर व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट का प्रयोग करना ना भूलें। सी यू वेरी सून विद अनदर वीडियो। जय हिंद।